सभी लोग उम्मीद ही अच्छी होंगे। साथियों, नई भर्ती जो आई है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से आई है। और जो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट जो है 7/23 का है ये, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023, नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो आप देखेंगे तो इसमें लगभग हर प्रकार की पोस्ट आई हुई है, जो मैं आपको बारी बारी से बताना चाहूँगा। साथियों, 7/2023 मशीनिस्ट की जो यह पोस्ट दिखाई दे रही है, ये मशीनिस्ट की जो पोस्ट है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 8/2023 व्यवसाय अनुदेशक के पद पर नियुक्ति की जाएगी। और जो व्यवसाय अनुदेशक के बारे में बात करें तो 93,000 से लेके 34,800 तक के इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। और आपको इसमें ये शायद RAC का खुल गया है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर, हमको देखना किसका है, मशीनिस्ट का। तो हम जब मशीनिस्ट के बारे में देखेंगे तो ये मशीनिस्ट का PDF मैं खोल रहा हूँ आपके सामने। तो मशीनिस्ट के लिए जो योग्यता चाहिए, शैक्षणिक अर्हता, मशीनिस्ट व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र अनुभव के मामले में चाहिए हमको कि ट्रेड अप्रेंटिस की हुई हो, और प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता, जो CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र इसने मांगा है। साथियों, कई लोगों का CITS नहीं होगा इसलिए वो लोग परेशान हो सकते हैं, पर इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जैसे जिन व्यक्तियों का प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता जो संस्था रहती है, अगर उनके ये प्रमाण पत्र नहीं भी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। क्योंकि इन्होंने यह जो नोट दिया इसको मैंने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है, साफ सफ में लिखा हुआ है कि वो ज्वाइन होने के बाद भी ये कोर्स कर सकते हैं और उनको 1 साल की छूट दी जाएगी ये कोर्स करने के लिए। तो आप इस मामले में भी निश्चिंत हो सकते हैं। तो साथियों, कुल पोस्ट इसमें मशीनिस्ट की 3 पोस्ट दी हुई है। इसके बाद हम पीछे जैसे ही आते हैं, इसी प्रकार से RAC की कितनी पोस्ट है इसके लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा। और इसमें हम देखते हैं तो कितनी पोस्ट है, इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो पोस्ट है इसमें भी वही RACM ACN रेफ्रिजरेशन का जो रहेगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर जो रहता है RAC, उसमें आपको वही सब चीज़ें ITI प्लस अप्रेंटिस होना चाहिए और CITS का आपके पास 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर आपकी नौकरी इसमें लग जाती है उसके बाद में इसमें करने के बाद आप उसको कोर्स कर सकते हो। तो इसमें भी 3 पोस्ट है, अनारक्षित 2 है और पिछड़ा वर्ग की 1 है। और इसमें कुल मिला के 11 पोस्ट है। महिलाओं के लिए 3 पोस्ट रिजर्वेशन है, अनारक्षित की 5 है और ये पिछड़ा वर्ग की 1 है, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 2। तो इस प्रकार से इसमें पोस्ट दी हुई है। तो साथियों, इसमें बहुत सारी चयन प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया गया कि प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान, 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन से होंगे। कार्य क्षेत्र ज्ञान के 80 प्रश्न मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो रहता है आपका, जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे, शेष 20 नंबर का जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। साथियों, उतना कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि ज़्यादा कुछ है। द्वितीय चरण का जो एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। राष्ट्रीय व्यवसाय NTC शिक्षा प्रमाण पत्र के प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% भी दिया जाएगा। CITS परीक्षा के प्राप्त अंक, मतलब आपका जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्रेंटिस के जितने अंक है उसके 20% अंक आपको दिए जाएंगे। CITS परीक्षा के भी 30% अंक, और ये प्रशिक्षण जो मिलेगा आपको उसके भी 25% अंक मिला के 125 अंक आपको दिए जाएंगे। इसी प्रकार इसमें उतनी टफ कोई गाइडलाइन नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छा इसमें सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है इसमें, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार की कोटी 600 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार के लोग हैं उनके लिए 150 रुपये है, और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए 600 रुपये इसमें फीस मांगी गई है। सारी प्रोसेस ऑनलाइन की जाएगी, इसलिए ये प्रोसेस जो है चालू हो चुकी है, आप लोग इसको फिलअप करना चालू कर दें। इसी प्रकार साथियों, ये हो गई RAC की। इसके बाद में ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के बारे में भी देखेंगे, फिटर के बारे में भी इसमें पोस्ट, चलो फिटर की देखी जाती है।
तो फिटर की जो पोस्ट है, कितनी पोस्ट इसमें आई हुई है ये हम ज़रूर देखना चाहेंगे। तो साथियों फिटर के बारे में बात करते हैं, तो फिटर के लिए भी सब टर्म्स एंड कंडीशन वही है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए। इसके अलावा CITS का अगर प्रमाण पत्र नहीं भी है तो आपको इसमें एक साल की छूट दी जाएगी कि आप इसको पूरा पढ़ें। ये नोट आपके पास है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मैंने तो पढ़ लिया आप लोग। साथियों इतनी मात्रा में पोस्ट 105 पोस्ट आई हुई है, इसमें फिटर के लिए अनारक्षित 55 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 11, अनुसूचित जाति 15, अत्यंत पिछड़ा 15, 14, पिछड़ा वर्ग की 5 और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 4। तो साथियों कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें फिटर ट्रेड वालों के लिए दी गई है, तो निश्चित रूप से उनको ये पोस्ट जरूर फिलअप करना चाहिए। वही 100 नंबर का प्रश्न पत्र, 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान और 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन से दिए जाएंगे। चाहूँगा कि ये जरूर से आप लोग इस पोस्ट को फिलअप करें। वही सब चीज़ें इसमें भी दी हुई है कि SC ST OBC का जो डिक्लेरेशन है, जो एज है, तो एज के लिए भी इसमें काफ़ी छूट रहेगी आपको। 35 साल 37 साल ऐसी इसमें एज का दिया गया, मैं उसके बारे में बात करूँगा जो एज से रिलेटेड जो आएगा कालम। तो एज के लिए आपको छूट है, मतलब 35 साल के ऊपर वाले भी इसको आराम से फिलअप कर पाएंगे। 37 साल इसमें दिया हुआ है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ कहाँ उसके बारे में दिया था, मैं पढ़ चुका हूँ इसको, एज के मामले में आपसे बात करूँगा मैं। तो साथियों ये फॉर्म जो है, जितनी मात्रा में इसमें पोस्ट आई हुई है आपको इसको ज़रूर फिलअप करना चाहिए। आप अभी ये देखिए आयु सीमा के बारे में बात करते हैं, तो कम से कम 21 वर्ष अनारक्षित वाले जो है, अनरिजर्व 37 साल, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति 42 वर्ष। उसके अलावा आपको जो सरकारी छूट है 3 साल और 5 साल, 3 साल OBC, 5 साल SC ST, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए। फिटर के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे ये फिटर की हो गई, टर्नर की है, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, तो हर चीज़। अच्छा वेल्डर के बारे में हम देखते हैं, वेल्डर की कितनी पोस्ट इसमें आई हुई है, तो वेल्डर की भी 76 पोस्ट इसमें आई हुई है। साथियों कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, आप लोगों को ये भरना है वेल्डर की भी। तो वही सब एज रिलेशन सब में वही दिया है, प्रथम चरण सेकंड चरण सब में वही दिया हुआ है, तो आप इस पोस्ट को ज़रूर भरिए। तो हम अभी बात कर लेते कि कौन कौन सी ट्रेड की पोस्ट आई हुई है। तो साथियों इसमें जो पोस्ट आई हुई है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल मशीनिस्ट, ऑटो बॉडी पेंटिंग मशीनिस्ट, ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिकल, डीजल, वेल्डर, प्लम्बर, फाउंड्री मैन, टेक्नीशियन और एडेंसिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, मशीनरी कंज्यूमर इलेक्ट्रीशियन, और ये काफ़ी सारी ट्रेड इसमें दी हुई है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का भी इसमें है, ड्राफ्टमैन सिविल की भी इसमें पोस्ट दी है, टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस की भी है, सर्वेयर की भी, इंजीनियर, ड्राइविंग, कंप्यूटर अटेंडेंट, और साथ ही इसमें ड्राफ्ट्समैन की भी अच्छी पोस्ट दी हुई है। तो ड्राफ्ट्समैन के बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि ड्राफ्ट्समैन के लिए कितनी पोस्ट इसमें आई हुई है। साथियों हर PDF को मैं खोलूँगा तो उसमें काफ़ी समय रहेगा, इसमें 4 पोस्ट आई हुई है, तो 2 अनारक्षित है और 1 पिछड़ा वर्ग की है। इसी प्रकार जो दूसरे ट्रेड के बारे में, हम और किसी ट्रेड के भी खोल सकते हैं, जो भी ट्रेड का आपको खोलना है, इसलिए आपको फ्री जॉब अलर्ट पे जाके बस डिफेंस में जाना है, उसमें आपको ये पोस्ट दिख जाएंगी, डिफेंस में या फिर और किसी लिंक में होगी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, तो फ्री जॉब अलर्ट में आपको ये भर्ती दिख जाएगी। इसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन सीधा दिया जा रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों जितनी भी इसमें पोस्ट दी हुई है, प्लम्बर, फाउंड्रीमैन, सब इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट देखा जाते हैं, देखते कितनी इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट इसमें, तो आप इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट जो 153 रिकॉर्ड तोड़ भर्ती इसमें आई हुई, साथियों बहुत पोस्ट इसमें दी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पोस्ट को ज़रूर भरें, और यही मेरी आपसे कामना है। साथियों आपको फॉर्म भरने से पहले ड्यूटी के बारे में जानना होगा कि क्या है, तो ये साथियों बिहार तकनीकी सेवा आयोग का पोस्ट है। इसमें जो होता है, बिहार पटना अंतर्गत निर्देशन नियोजन प्रशिक्षण बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार के विहित प्रपत्र के आयोग में वेबसाइट पर
ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाची विभाग द्वारा रोस्टर के अनुसार उपलब्ध कराए गए पदों की विवरणी ये सब है। तो अनुदेशक है साथियों, कहीं ना कहीं इसमें आपको पढ़ाना लिखाना है, तो चाहूँगा कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ लें, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करें। तो यही सब चीज़ें हैं साथियों, इसमें काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई है। और साथियों जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 4/7/2023 से, और साथ ही इसमें लास्ट डेट जो है 3/8/2023 है, तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप करिए। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, हर चीज़ के लिए इसमें इतनी सारी पोस्ट दी हुई है कि अब क्या बोलूँ मैं, इतनी सारी पोस्ट आई हुई है, तो ज़रूर आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। ज़्यादा ना सोचते हुए इस फॉर्म को फिलअप करें। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।